दिवस मनाया गया। इस उपलक्ष में जगह जगह पर काफी कार्यक्रम हुए। आइए इन्हीं में से एक कार्यक्रम याद करो कुर्बानी की एक झलक देखते हैं। उसके अंदर किसी भी अंश में कहीं भी ऐसा नहीं था, जबकि उनको अपनी करण लास्ट के 6 महीने जब उन्होंने अपने कुटुंब में बिताए तो उनको अपनी तैयारी करने का कोई मौका नहीं मिला। तो ऐसा मानना कि एक बड़ी न्याय प्रक्रिया के द्वारा उनको फांसी की गई थी गलत है। तो उनका अपना मानना था कि इट इज नॉट इंपीरियलिस्ट पावर, साम्राज्यवादी ताकतों से हटानी चाहिए। भगत सिंह की एक अपनी जो दर्शन था हमारे संविधान को प्रभावित करते गए कि न्याय का मौलिक भौतिक और संवैधानिक रूप से नाश हो। भगत सिंह का सीधा सीधा था कि आप जो है मानसिक रूप से जो गुलामी के शिकार है, गुलामी किसी भी तरह की हो सकती है, उससे मुक्ति पाइए। भगत सिंह को मानने वाले अधिकांश लोगों ने सर्वे कर लीजिए 90% से ज्यादा ने भगत सिंह को पढ़ाई नहीं होता है। मैं नास्तिक क्यों, अगर पढ़ ले तो आपको भगत सिंह क्या है वास्तव पता लग जाएगा। जब भगत सिंह के दस्तावेज ही पढ़ ले, उनके बारे में पता कर ले, तो भगत सिंह के होने की उसे त्रासिंग होने के अर्थ पता लग जाएंगे। भगत सिंह बने क्यों, वंश जाने से नहीं बने, विजडम था, स्टेट्समैनशिप थी। एज आई सेड इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन आई से ही वाज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्समैन इन द वर्ल्ड। वो बने कैसे, किताबें पढ़ते थे, वो कहते थे इसका जवाब दो ना काल मार्क्स का, लेनिन का जवाब दो, इसका जवाब दो कि इतने लोग भूखे मर रहे हैं, मेरे को बताओ कहां है आपका भगवान अगर इतने लोग भूखे मर रहे हैं। भगत सिंह ने भी ये कहा था कि हम चुप रह जाए ये भी एक तरह की गुलामी है, तो प्रश्न करना भी बहुत जरूरी बात है। हम ये सोचे कि चलो जो चल रहा है वैसा ही करते रहे, दो तरह की जिंदगी होती है, जो चल रहा है चलने दो, हम भी उसी वैसी गंगा में हम भी चल पड़े। और एक होता है कि आप जो कर रहे हैं उसको समझ रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, सही है गलत है उसको समझ के कर रहे हैं। तो भगत सिंह ने भी ये कहा था। मुझे लगता है कि आज भगत सिंह बनने के लिए आपको समाज की आखिरी पायदान पे खड़े किसी एक व्यक्ति को, जो समाज के सबसे आखिरी पायदान पे खड़ा है, बस उसको एक पायदान आपका बढ़ा दीजिए तो आपने भगत सिंह का वो काम कर दिया जो अपना भगत सिंह ने नहीं पाया। आज भगत सिंह बनने के लिए बड़े मंचों की आवश्यकता नहीं है, बड़े सभागारों की आवश्यकता नहीं है, बड़े सिग्नल हालों की आवश्यकता नहीं है। मेरे समझ सपना जब ही सच होगा जब हर घर में हर माँ हर बच्चा अपने आप को, हर माँ चाहे कि उसका बेटा भगत सिंह है, इसी से हम अपने जो भगत सिंह जी का सपना है उसे सच कर सकते हैं। हम सबको अपने बच्चों को ये सिखाने की जरूरत है कि समाज में चेंज लाने के लिए, समाज में बदलाव के लिए शहीद होना जरूरी नहीं है। हम अपने छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशन से ही समाज में चेंज ला सकते हैं। बात वसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आप भगत सिंह बनने के लिए लोग क्या करते हैं कि लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ सेंटर्स को गोली मारेंगे तभी हम भगत सिंह है। जी नहीं, आप जहाँ हैं वहीं आप एक आवाज बुलंद करिए, आप भगत सिंह हैं।